मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। तो उम्मीद करते हैं आप सब मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चा, इस चैनल पे आपको क्लास 5th से लेकर क्लास 10th तक सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी वीडियो देखना हो तो आप चैनल के अंदर जाके प्ले लिस्ट में कोई भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 8th इंग्लिश में क्वेश्चन फ्रॉम द पोम स्टार स्पीक्स टू मैन। तो चलो करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू द स्टार्स से टू मैन इन द फर्स्ट टू लाइन्स। तो आंसर, हियर द स्टार्स इन सेज टू मैन दैट गॉड हैज़ मेड हिम द लाइट ऑफ रीज़न। कि जो इंसान है, इंसान को ऊपर वाले ने, रब ने, ठीक है, अलमाइटी ने, भगवान ने बनाया था क्या, लाइट ऑफ रीज़न, यानी कि जो सबसे दाना है, ठीक है। बट ही चोज टू फायर, लेकिन उसने क्या चुना, उसने आग को चुना, उसने यानी कि तबाही को चुना। ही बिकम ए डिस्ट्रॉयर, वो तोड़ने वाला बन गया। ही हैज़ पुट द ह्यूमैनिटी टू डिसग्रेस, उसने इंसानियत को डिसग्रेस किया, रिसवा किया, ठीक है, डिसग्रेस होकर रिसवा करना। अकाउंट टू द स्टार्स मैन हैज़ बिकम कैल्स बाय हार्ट, जो एक इंसान है वो कैल्स बन, पत्थर दिल बन चुका है, ठीक है, कैल्स हो गया पत्थर दिल। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेचर हैड फैशनड यू टू अपोर्शन लव एंड अफेक्शन बट यू टुक टू बाई एंड सेलिंग रिलीजन एंड फेथ बट यू टुक टू बाइंग एंड सेलिंग रिलीजन एंड फेथ इंस्टेड। एक्सप्लेन दीज लाइन्स, तो हमें एक्सप्लेन करनी है इन लाइन्स को। नेचर फैशनड यू टू अपोर्शन लव एंड अफेक्शन बट यू टुक टू बाइंग एंड सेलिंग रिलीजन एंड फेथ इंस्टेड। तो एक्सप्लेन इनको करना है। तो इन दीज लाइन्स द पोइट सेज द नेचर हैड मेड मैन टू डिस्ट्रीब्यूट लव एंड अफेक्शन अमंग हिज फेलो बींग्स। तो इन लाइन्स की मीनिंग कुछ इस तरह है कि जो पोइट है, पोइट कहना चाहता है कि जो कुदरत है उसने बनाया था इंसान को टू डिस्ट्रीब्यूट लव, कि वो प्यार बांटे और अफेक्शन, ठीक है, प्यार और मोहब्बत बांटे एक दूसरे के साथ और अमंग हिज फेलो बींग्स, यानी कि जो इंसान है उनके साथ, बाकी जो लोग हैं उनके साथ प्यार बांटे। बट इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग लव एंड अफेक्शन मैन स्टार्टेड यूजिंग रिलीजन एंड फेथ कमर्शियली। उसने मजहब को इस्तेमाल किया किसके लिए, और भरोसे को, फैत हो गया, भरोसा उसको किसके लिए इस्तेमाल किया, कमर्शियली, यानी कि उसको बेचा, ठीक है, उसके बदले में पैसा कमाया, ठीक है, अपनी कमाई के लिए मजहब को इस्तेमाल किया। ही फॉरगेट द एक्चुअल पर्पज ही वॉज मेड ऑफ, तो वो भूल गया कि उसको क्यों बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज़ मैन डिस्क्राइब्ड एज ए सर्पेंट, एक सांप की तरह, ठीक है, सर्पेंट हो गया सांप की तरह, वो एक सांप बन चुका है जो दौलत पे बैठा हुआ है और अगर उसकी तरफ कोई आएगा, यानी कि वो सब खुद ही खाना चाहता है, ठीक है, उसकी तरफ अगर कोई आएगा तो उसको वो डस लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच दैट विच यू कॉल अवेकनिंग इज ए स्ट्यूपिफाइंग हैंगओवर, वाई। आंसर, द बूस्ट्स ऑफ हिज लव फॉर रिलीजन बट दिस लव लीड्स हेम टू हेट मैन ऑफ अदर रिलीजन। तो जो इंसान है, मैन बूस्ट ऑफ हिज लव फॉर रिलीजन, वो अपनी प्यार को बढ़ाता है किसके लिए, लव को, किस लिए, अपने रिलीजन के लिए, बट दिस लव लीड्स, लेकिन ये लव क्या करती है, हेट करती है एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से, ठीक है। ही वॉरशिप्स गॉड, वो खुदा की बात करता है, बट फॉलो द डिविल इन रियल लाइफ, लेकिन वो असल ज़िंदगी में शैतान को जो है वो अपना फॉलो बनाता है, यानी कि उसका पीछा करता है। दैट्स वाई द पॉइट कॉल्स मैंस, तभी जो है इंसान को पॉइट ने यहाँ पे क्या कॉल किया, अवेकनिंग नथिंग बट स्ट्यूपिफाइंग स्ट्यूपिफाइंग हैंगओवर, ठीक है, इसीलिए उसको कहा गया है। ही इज़ ड्रंक विद अ वाइन ऑफ रिलीजन एंड हैज़ फॉरगॉटन हिज रियल सेल्फ, तो उसने जो है रिलीजन का जो वाइन जो है वो तो पिया हुआ है, ठीक है, मजहब का शराब, बट हैज़ फॉरगॉटन हिज रियल सेल्फ, लेकिन वो अपने आप को भूल ही चुका है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू थिंक इज अ वेक अप कॉल, एक्सप्लेन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, येस, आंसर, येस, दिस पोम इज़ वेक अप कॉल, इन दिस पोम द स्टार्स ट्राई टू मेक मैन अवेयर ऑफ हिज ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द अर्थ। तो इस पोम के अंदर बोला, ये पोम जो वेक अप कॉल है क्या, यानी कि तुम जाग जाओ, बिल्कुल सही, ऐसी है। तो इस पोम के अंदर जो स्टार्स हैं वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि इंसान भूल चुका है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज़, दे रिमाइंड हिम, ये याद दिलाते हैं स्टार्स इंसान को वट ही हैज़ मेड फॉर, वो उसको किसके लिए बनाया गया है, एंड वट ही वॉज डूइंग, और वो क्या कर रहा है, ठीक है, ओके, विद हिज मिसडीड्स, अपनी बुराइयों की वजह से, ही हैज़ पुट ह्यूमैनिटी टू डिसग्रेस, और उसने इंसानियत को रसवा कर रखा हुआ है। ही इज़ बैडली कॉट इन द स्ट्यूपिफाइंग हैंगओवर ऑफ हिम ऑफ सेल्फिशनेस, तो उसने अपने आप को आस्क हिम टू अवेक टू वेक अप, तो स्टार्स जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि वेक अप फ्रॉम हिज फैंसीफुल ड्रीम, ये जो ड्रीम है, ये जो ख्वाब दे, एंड ह्यूमन टूवर्ड्स हिज फेलो बींग्स, फैंसीफुल ड्रीम, जो स्टार्स हैं वो उसको कहते हैं कि वो अपने इस ख्वाब से जो है वो जाग जाए और क्या करे, एंड भी ह्यूमन, और ह्यूमन बन जाए, अच्छे तरीके से पेश आए टू हिज फेलो बींग्स, अपने जो उसके, यानी कि जो इंसान है, इंसानों के साथ एक सही तरीके से पेश आए, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से समझाए हुए होंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।